करने जा रही हूँ आटा मैगी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और साथ साथ हेल्दी भी है। इसके लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पे डालना। ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड यहाँ पर डाला, यानी कि जीरा। 3 टेबल स्पून मटर यानी कि ग्रीन पीस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से स्टेयर कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। अब यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन कट करके डाल रही हूँ और 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पर कट करके डाल दी है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटो यहाँ पे चॉप करके ऐड कर देना है। नमक स्वाद अनुसार डालना है और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लें। यहाँ पर मैं आटा मैगी का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैगी की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। 3 मिनट हो चुके, अब मैं यहाँ पर मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 ये मसाला ऐड किया और 1/2 मैं बाद में ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैगी को डाल देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है, पानी ज़्यादा नहीं डालना इसमें, और इसे अच्छे से क्रश कर दें थोड़ा, और मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। और बाकी का जो आधा मसाला है उसे भी अब ऐड कर दूंगी मैं। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैगी में, इसे 2 मिनट तक इस तरह स्टर कर ले। अब इसे कवर करके 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट हो गए, मैगी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे 5 टेबल स्पून पनीर डाल रही हूँ क्रश करके, इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 मिनट तक इसे भी सॉटे कर ले। ऐसी और भी टेस्टी रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।